કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ડોક્ટર ચૈનિકાએ જણાવ્યું હતું કે લોકશાહીમાં વિરોધ કરવામાં તમામને અધિકાર છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ વિરોધ કર્યો છે. પોલીસે તેઓને ડિટેન કરી શકે છે, પરંતુ ખોટી ફરિયાદ કરીને તેમના પર પાછા કરવામાં આવ્યા. આ લોકશાહીની હત્યા છે. લોકશાહીમાં ભાજપ સામે અમારા કાર્યકર્તાઓ પર આ રીતે ખોટી ફરિયાદ કરીને જેલમાં મોકલવામાં આવતા હોય તો સામાન્ય જનતાની શું હાલત થાય? સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવવો એ ગુનો છે. તેઓ દ્વારા વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભાજપના આદેશના પગલે સુરત પોલીસે આ ચાર કાર્યકર્તાઓ પર પાસા કરવામાં આવ્યા હતા. સુરત પોલીસ કમિશનર દ્વારા કોડી રીતે પાસા કરવામાં આવ્યા હતા. અમોએ આ મામલે સુરત પોલીસ કમિશનર વિરુદ્ધ હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં માનહાનિના કેસ દાખલ કરીશું. આઝાદી કે બાદ કોઈ ભી સરકારે નહીં હો, વિપક્ષ ઓર જનતા કો હમેશા યે અધિકાર રહા હૈ કે વો સરકાર સે સવાલ કરે, ઉનકે ખિલાફ વિરોધ પ્રદર્શન કરે, ઓર હમેશા ઉન વિરોધ પ્રદર્શનો કા એક રાજનૈતિક હલ હી નિકાલા ગયા હૈ. ऐसा पहली बार हुआ कि चार युवा अपने मुद्दों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री जी को काले झंडे दिखाने जाते हैं और उसका दुष्परिणाम उनको ये झेलना पड़ता है कि क्लीन छवि होने के बावजूद जिनके ऊपर एक भी कोई क्रिमिनल केस अभी तक नहीं है, उनको पाशा के तहत एक महीने से ज़्यादा के लिए अंदर रखा जाता है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को खोता है, एक व्यक्ति अपनी नौकरी खोता है और मानसिक यांत्रणा और सामाजिक जो उनको अवसाद जो झेलना पड़ा, सामाजिक रूप से उनके पर जो धब्बा लगा, वो अपने आप में अलग बात है. ये देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सर्वथा गलत तरीका है और इसके खिलाफ हर राजनीतिक दल को और हर जनता के नुमाइंदे को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि यदि हमने सरकारों से सवाल करना और उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना बंद कर दिया तो लोहिया ने जैसा कहा था कि अगर सड़कें सुनसान हो गई तो संसद जो है आवारा हो जाएगी, तो वो स्थिति आने वाली है. हम ये कहते हैं कि इनको चूंकि अब बाइज्जत बरी जो सुप्रीम जो हाई कोर्ट के अंदर जो रिटायर्ड जज हैं उनकी कमेटी ने पाशा के अंदर कोई बाइज्जत बरी किया है, तो इनके ऊपर जो दाग लगा है उसका हर्जाना के लिए अब हम डिफॉर्मेशन केस भी जो है वो सीपी के खिलाफ करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका जवाब और इसका हर्जाना तो मिलना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ बिल्कुल जो आप कहिए कि निर्दोष होते हुए इस तरीके की कार्यवाही की गई. तो मैं जनता से यही अपील करूंगी और हमारे देश के जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं हमारे प्रेस, उनसे भी ये निवेदन करूंगी कि इस तरह की घटना, कोई भी छोटी घटना किसी भी पार्टी के साथ हो, किसी भी सरकार के द्वारा हो, उनको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि कब एक छोटी सी चिंगारी ज्वाला बन करके हमारे लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी, स्वाहा कर देगी, वो पता नहीं लगेगा. तो इसलिए हर चिंगारी के ऊपर हमारा आवाज़ उठाना और उस चिंगारी को दबाना हमारा मौलिक दायित्व बनता है. धन्यवाद.